असीं एक लंबा अक्सर दिंदे आ गुरु के चरणों के आके भी असीं गुरुद्वारे जाने पर घर के कलेश ही नहीं मुकदी, शांति नहीं बनती। मैं बेनती करा गुरु नानक साहब का घर ऐसा है, इत्थे जैसी मनसा तैसी दशा, जैसा कर्म तैसी लिवलाव है। जिहो जिहा कर्म इत्थे आके करांगे ना, जे चंगा करांगे वह भी दस गुणा वध फली भूत होवेगा, ते जे कोई सिद्धांत दे मर्यादा दे उल्ट करांगे ते उहदा भी फल उसे हिसाब का मिलेगा। जिवें शीशे दे विच कोई जिहो जिहा वेखे उहो जिहा विखा दिंदा है ना उहनूं, इसे तरह गुरु घर भी शीशे की न्याई है। जे तां इत्थे आके शांति बनावांगे ते सतगुरु साड्या घरां दे विच शांति बना देणगे, ते जे इत्थे आके रौला पाउंदे रहे ते फिर वह रौला घर नूं लै के उहो कुछ लै के जावांगे। जिहो जी मर्यादा जिहो जिहा रहिण सहिण गुरु घर दे विच जदों असीं जाईए ना सतसंगत जी, ते हिरदे दे विच इक अदब हुंदा है भी बड़ी शांति बना के रखीए। जे कोई गुरु घर की मर्यादा नूं जानण मानण वाला होवे ते उह कहिंदा भाई शांति ना भंग कर, गुरु घर दे विच शांति बना के रखी दी है। जे इत्थे शांति भंग हो गई ते साडे घरां दे विच भी नहीं शांति रह सकदी, फिर उत्थे भी कलेश रहेगी। जे इत्थे सुचम रखांगे ते साडे घरां दे विच भी सुचम रहेगी। तो साध संगत जी, गुरु नानक साहब ने घर घर अंदर धर्मशाल की बात पाई, घर घर अंदर धर्मशाल होवे कीर्तन सदा वसोआ, भाई गुरदास जी कहिंदे गुरु घर दे विच सुचम सहनशीलता शांति इबादत। ते इत्थों दा जिहड़ा माहौल है वह अपने घर दे विच लै के जाना सी, जो कुछ इत्थे सी वह घर दे विच लागू करना सी। ते जे गुरु घर दा माहौल ही ना सी सकारत रहन दित्ता ते फिर साध संगत जी साडे घरां दे माहौल किहो जे बणनगे, ये अंदाजा असीं ला सकदे आ। जो कुछ वापर रहा है समाज दे विच उहदा कारण यही है भी गुरु की मर्यादा नूं गाया भी गया, प्रचारिया भी गया, सुनिया भी गया, पर साध संगत जी उहनूं अमल दे विच लिआउण वाले विरले गुरमुख प्यारे हुंदे हैण, विरले ना ही घणे फैल फकड़ संसार। ते जिहड़े गुरु की मर्यादा नूं अपने जीवन विच ढाल लैंदे ऐ, अपने घरां विच लागू कर लैंदे ऐ, फिर उहनां ते पूर्ण तौर ते गुरु की खुशी हुंदी है। ये फैसला आपां करना है भी आपां खुशियां लैके जानी है जां रौला लप रप्पा ते कलेश लैके जानी है।